हाँ जी, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपके साथ करनी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। फूडी जी के होने वाले 5 लाख सब्सक्राइबर, तो जल्दी से जो भी वीडियो देख रहा है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार न्यू ईयर हमें भी मनाने दो यार। 5 लाख हो जाएंगे तो पार्टी हो जाएगी। तो वेट ना करो और जल्दी से जल्दी चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कर दो यार, जल्दी कर दो। हेलो फूडीज, स्वागत है आपका फूडी वी में। स्वागत हमेशा की तरह हम लेके आ गए हैं कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत, कुछ अविश्वसनीय। गाइस, हो चुका है हमारा वर्कआउट खत्म और इन दोनों का कहना है कि आज हमें कुछ हेल्दी खाना है। और सब्वे से ज्यादा हेल्दी क्या होएगा यार, बहुत टाइम हो गया सब्वे नहीं खाया हुआ। और पुरानी यादें ताजा करते हैं आज। और गाइस, आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि 24 आवर सब्वे वाली वीडियो करो, तो मैंने सोचा अगर ब्रेकफास्ट सब्वे का कर रहे हैं तो डिनर और लंच भी सब्वे का कर लेते हैं। 24 आवर्स में ना पूरा का पूरा इंटायर मेन्यू सब्वे का ऑर्डर कर लेंगे, जो वैरायटी सर्व करता है सब्वे वो सारी ट्राई कर लेंगे। बेसिकली दो वीडियो होने वाली है, एक एंटायर मेन्यू और 24 आवर कॉम्बिनेशन कोलैबोरेशन। मजा आ जाएगा। तू ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, आ चुके हैं हम सबवे अपना ब्रेकफास्ट लेने। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं है, क्योंकि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता आप सबवे जाओ या ना जाओ। और अगर हमारी वीडियो स्पॉन्सर्ड होती है तो हम वीडियो पे बताते हैं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, बट ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट लेंगे और आपको दिखाएंगे और बताएंगे ऑनेस्ट रिव्यू। सो गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक ना सब्वे का ये रैप नहीं ट्राई किया था। मैंने सब खाया, सैलेड खाया, उसके अलावा मैं कुछ ट्राई नहीं करता हूँ ज्यादा। और मेरा है सैलेड, जो कि है शम्मी सैलेड। क्या बात है, ये हेल्दी है? नहीं यार, अगर आप बहुत ज्यादा सॉसेस डलवाओगे तो ऑब्वियसली ये हेल्दी नहीं होगा। सही बात है, सही बात। हेल्दी सिर्फ तब तक है अगर इसके ऊपर सॉस ना हो। हाँ, ऑब्वियसली सब्वे की सारी चीजें हेल्दी है, बट वो सॉसेस की वजह से ना सारा कुछ वो कबाड़ा हो जाता है। पर मेन टेस्ट भी वो सॉस की वजह से है। टेस्ट भी सॉस की वजह से है। और मैंने होल व्हीट वाला रैप कराया है, मैंने कहा मैदा तो नहीं खाऊंगा मैं। बिल्कुल रोटी जैसा लग रहा है, रोटी नहीं परौंठी पैक है ये। हाँ, परौंठी पैक। लोगों के मुंह में पानी आ रहा है पक्का यार। ये ना ये ऐसे फोक इतने बेकार लगते हैं ना, इसमें कुछ नहीं फंसता चम्मच में। हाँ, क्या मकसद क्या है इसका, ये तो हाथ उठाने पड़ता है। भाई कितना मजेदार लग रहा है, पनीर है? नहीं नहीं नहीं, वाओ। इनका नया एक चीज आई है, तंदूरी टोफू। तो जो पनीर नहीं खाते मेरे ख्याल से, मतलब पनीर जिसको हैवी लगता है उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी भी है। इनकी जो रोटी है थोड़ी सी लिचड़ सी है। यू मीन यू नो अंडरस्टैंड लिचड़? इनका ना पहले जो डब्बा आता था पैकिंग वाला, वो ज्यादा अच्छा था। ये मुझे नहीं अच्छा लगा, सस्ती कर दी इन्होंने पैकिंग। मुझे तो सबसे पहले ये ट्राई करना है, मैं तो फैन हो गई पनीर के बाद, तो टोफू मेरी अगली चीज। भाई यार थोड़ा छोड़ दो मेरे लिए भी, मैंने अपने लिए कराया था वो। ये बड़ी गंदी बात है ना नॉन वेज वालों की, वेज वालों में भी मुंह मारते रहते हैं। हम कहां जाएं हम। मैंने कराया सब ऑफ द डे, ये होता था एक टाइम पे 99 रुपीज का। जिसको वो दिन याद है लाइक कर दो वीडियो और कमेंट करके बताना, मैं भी 99 रुपीज का खाता था। ये सब ऑफ द डे 165 का है। 165 का, पर यार देखने में तो पूरी एंड गल बात, लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। और सुबह की पहली मील ये टेस्टी टेस्टी सब। ओए होए, तुमने अंदर डलवाया क्या इसके सब कुछ? हम उनमें से तो सब कुछ डलवाते हैं, पूरे पैसे वसूल करते हैं हम। गाइस मैं सच्ची बताऊं एक बात, अगली बार मैं सब आऊंगा ना, मैं रैप खाऊंगा। नहीं रैप, रैप सीरियसली बहुत अच्छा है। रैप की एक अच्छी बात क्या है कि माल ज्यादा है और ऊपर ब्रेड कम है। सब भी बहुत अच्छा है। ये मैंने कराई थी हनी ओट वाली ब्रेड कराई थी, जो कि अच्छी है, बहुत टेस्टी है। एक बाइट ले, चिकन है ये तो। बेटा आप हमारे मुंह मार सकते हो, हम आप में नहीं मार सकते। मुक्ति का जो सैलेड है ना, ये मुझे नजायज महंगा लगा। 230 रुपए का सैलेड है ये, और खा भी नहीं रही है। मेरे को पकड़ा दिया है, तू ही खा ले। तो यार मुझे दे दो, मैं खा लेती हूं। मुझे लगता है ब्रेकफास्ट जो है ना पूरा फिलिंग हो गया मेरा, तो एटलीस्ट फिलिंग था। तेरा फिलिंग होगा? हो जाएगा, इतना पूरा खा के खोल। तेरा जितना फीलिंग था पूरा भाई साहब, मजा आ गया रैप खा के। तो इसके बाद तो अगली मील है ना, जो लंच होएगा या लंच से पहले स्नैक्स होंगे वो आपको दिखाते हैं। तो गाइस सब चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सबवे पे जो बेसिक चीजें मिलती है ना वो हम ट्राई कर चुके हैं। और हम ऐसी चीजें ट्राई करेंगे जो हमने तो कभी ट्राई नहीं करी, आपने पता नहीं करी होंगी नहीं करी। बट एक चीज है, सबवे का कोई दीनमान है नहीं है भाई साहब, कहीं पे 50% ऑफ है, कहीं पे कोई ऑफ ही नहीं है। और उनके पास चीजें भी कम थी फिर भी नहीं दिया, ऐसी नहीं जा रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या लेके आएंगे, अनोखा अद्भुत और अविश्वसनीय।
तो गाइस मुक्ति और मेरी बहुत ही ज्यादा पक्की है दोस्ती, और जो चीज हमने ट्राई करनी है वो है टोस्टी। यार पहली बार सबवे से ये चीज मैंने ली है, तो दिखाते हैं आपको क्या चीज है। ये है नॉन वेज टोस्ट। भाई पता क्या लग रहा है, वो जो सबवे वाला बन होता है ना उसका ऊपर वाला हिस्सा निकाल दिया और ऊपर ये पेपरोनी और चीज डाल के दे दी। यार कितना सुंदर लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा इसको खाने का। डेकोरेट कर लो इसकी ना वॉल पे, सीलिंग पे पेंटिंग पुंटिंग लगा लो। ओए हो, ये वेज है। वेज पर नहीं, मुझे नॉन वेज देखने में ज्यादा सुंदर लग रहा है। तुझे पेपरोनी अच्छी लग रही है एक्चुअली। ओए हो, पर खा के देखते हैं कि नॉर्मल सबवे और इसमें फर्क क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें तो सेम है। हां पर मुझे लग रहा है ब्रेड जो है ना थोड़ी और टोस्ट हो सकती थी, थोड़ी सी पिलपिली है। चलो खा के देखते हैं। चीयर्स। पहली बार जिंदगी में ना मुझे सबवे के अंदर की फिलिंग का टेस्ट आया। फिलिंग क्या फिलिंग? इसका टेस्ट आया है माल पत्ते का, नहीं तो सबवे की सॉस जो है ना वो सारा टेक ओवर कर लेती है टेस्ट। एक्चुअली जो इसमें मेन किरदार है ना वो चीज का है, तो चीज का फ्लेवर आ रहा है बेसिकली। ये तो बेसिकली सबवे और इसमें ये फर्क है कि इसमें आपको चीज का फ्लेवर आएगा और जो इंग्रेडिएंट जा रहा है उसका फ्लेवर आएगा। ये जो टोस्टी है ना इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलती, लाइक कोई ब्रेड की ऑप्शन नहीं है ऊपर, तो चलो क्या ही ऑप्शन आ रही है। दो ही चीजें जो कि मिलती हैं, एक वेज और एक नॉन वेज, और नॉन वेज में सेम आपको यही मिलेगा, वेज में सेम आपको यही मिलेगा, यही बना के देंगे आप जो मर्जी। ये तो खा सकता है। नॉन वेज ज्यादा अच्छा, नॉन वेज बहुत ही अच्छा। हमने सबवे से और भी थोड़ी चीजें ली हैं, वो आपको अगली लोकेशन पे जाके दिखाते हैं। एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया लोकेशन है और सरप्राइज है आपके लिए, वो दिखाते हैं आपको। चलो। A few moments later. तो गाइस आप सोचोगे कि बढ़िया लोकेशन कहाँ पे है, तो आपको मैं बता दूँ, ये जो पीछे आप देख रहे हो ना ये फूडी वी का स्टूडियो घर करता धरता होने वाला है। जनवरी में यहाँ पे हम शिफ्ट कर जाएंगे। ओए होए, मतलब इसको उससे कोई लेना देना नहीं है, इसको सबवे खोलना है। हमें यहाँ काम था तो हम यहाँ आए हैं। हमने कहा साथ में स्नैक्स लेके चलते हैं, तो वहाँ भी थोड़ा खा लेंगे सबवे। एंड यहाँ पे ना मतलब फूडी वी का कंटेंट जो है बहुत ज्यादा इन्हांस होने वाला है, बहुत अलग अलग कंटेंट यहाँ पे बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो हम कंटेंट बनाते हैं उसमें लिमिटेशंस होती हैं, बट यहाँ पे विदाउट लिमिटेशंस चीज बनेगी। यहाँ खाया भी विदाउट लिमिटेशन ही जाएगा। हाँ, और बनाया भी विदाउट लिमिटेशन जाएगा। ये है कुकीज। स्नैक्स में यूजुअली बंदा नमकीन वगैरह खाता है, तो आज हम मीठा खाएंगे, क्योंकि खुशी वाली बात है ना, आपके साथ एक चीज शेयर की है, खुशी वाली बात है, मीठा खाएंगे। और एक रैप है जो मुक्ति ने कराया है, वो छोटे छोटे रैप मिलते हैं। तुम दोनों करो काम, मेरे को लगी है भूख बहुत जोर से, मैं तो खाऊंगी अपना स्नैक रैप। और ये चटपटा चने इसमें, तुम्हें पता है मैंने ना सबवे में पहली बार चटपटा चना मंगवाया है, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, और मुझे लगा ये अच्छा होगा। हाँ यार जो मैंने सुबह रैप खाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मुझे लग रहा है ये चटपटा चना बहुत ही चटपटा होने वाला है। और इसके साथ मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, बहुत ही अमेजिंग चीज हमारे फैंस के लिए। हम सोच रहे हैं कि एक फैन वॉल हम अपने स्टूडियो में बनाए, जिसमें एक वॉल के लिए पेंटिंग है। सो गाइस ये हमारे किसी फैन ने हमें बना के भेजी थी, उनको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर देंगे कि इन्होंने बना के भेजी थी। तो ऐसा अमेजिंग आर्ट वर्क आप जो भी कर सकते हो, आप हमें कुछ भेज रहे हो प्यार से, तो हम सोच रहे हैं हम अपनी वॉल पे अपने दर्शकों का प्यार लगाएंगे और उसके ऊपर हम लिखेंगे ड्रीम वॉल, फैन वॉल, फैन ड्रीम वॉल। वाह, अगर आप भी पार्ट होना चाहते हो उस ड्रीम वॉल का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। तो अगर आप कुछ भी हमारे लिए प्यार से भेजते हैं, चाहे वो कोई गिफ्ट है, कोई रिटर्न नोट है, कुछ भी है, तो आप हमें मेल करो, मेल करो, हम आपको रिवर्ट करेंगे, फिर आप हमें भेज सकते हो। और बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें मुक्ति की शक्ल देखो, मेरी शक्ल है, क्या ओरिजिनल शक्ल है, क्या ओरिजिनल शक्ल है, बिल्कुल असली, बिल्कुल असली। ये बूढ़ी अम्मा की शक्ल इन्होंने बिल्कुल सही बनाई है। बहुत ही बट अमेजिंग चीज बनाई है। इतना प्यार हमें मिलेगा, हमें पर नहीं पता था यूट्यूब से, बट आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, तो इसी बात पे वीडियो पर लाइक, आप सबको ना लव यू है, आप सारे एंड गाल बात हो। बाकी बात है रैप पे, रैप सच्ची में बहुत अच्छा है। अच्छा, पर मैं एक बात जो सुना, तूने टोफू ट्राई किया था, वो इससे ज्यादा चटपटा टेस्ट, वो बड़ा भी था, इससे ज्यादा था, वो सिग्नेचर रैप था, ये स्नैक रैप है, ये स्नैक रैप है, तो ये स्नैकिंग के लिए बना है। दिस इज अ छोटू रैप, छोटू रैप, दिस इज अ 4 PM रैप। इसके बाद हम लेते हैं कुछ मीठा। हम लाए थे कुकियां। पहली चीज जो सबवे ने बहुत ही यूनिक लॉन्च की है नवी, ये है डेनिश, डेनिश रोल। मिट्टी पैटी हो भाई, मुझे यही नहीं पता ये मीठा या नमकीन है, ट्राई करना पड़ेगा पहले। अच्छा, क्या पता नमकीन डेनिश ना हो, स्टफिंग तो इसके अंदर है ही नहीं ना के बराबर। ये मीठा नहीं लग रहा ना नमकीन लग रहा है सच्ची में, मतलब इसका जो आसपास की जो ये पैटी है ये मिट्टी है, और जो इसके अंदर माल भरा हुआ है, कॉर्न्स वगैरह मसाले भरे हुए, मुझे लग रहा है भाई, मुझे तो लग रहा है पानी सा लगा के दे रही है, मसाला है ही नहीं अंदर। मतलब अगर मेरा मीठा खाने का मन हो तब भी नहीं मैं ये खाऊंगी, अगर मेरा कुछ फीका खाने का मन हो तो भी नहीं खाऊंगी, मसाला खाने का तो भी नहीं खाऊंगी, तो खाएंगे नहीं हम इसको, मैं खाऊंगी नहीं, ये पहली बार और लास्ट टाइम है मेरे। अब जो मेन चीज है यार, ओए होए 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 यार, ये कुकीज जो है ना यार,
ओए एंड गल बात वाली कुकीज। ओए ओए चोको चिप वाली है या चॉकलेट है ये? जो भी अच्छी है। मुझे पसंद है ये वाली कुकी, ये ओटमील है। ओए ओए ये मेरी फेवरेट है यार। यार जितने भी लोग हैं जिसको कुकीज अच्छी लगती है फटाफट कमेंट करके बता दो, बिकॉज़ मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ कुकीज। मैं सबवे की कुकीज का बहुत बड़ा फैन हूं। सबवे की कुकीज बेशक महंगी होती है जो भी है, पर स्वाद बहुत होती है। ऐसी कुकीज और कहीं नहीं मिलती यार मुझे। बस मजा तब आता है अगर घर पे ले आए हो, इसके ऊपर डालो वनीला आइसक्रीम का स्कूप। ओए होए 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 गरम करके। एक और कुकी है हमारे पास, वो भी दिखाते हैं। और मैं एक और चीज बता दूं, अभी मैं अंदर आपको इसका टूर नहीं दे रहा हूँ घर का, जब ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा ना एक महीने तक, फिर आपको होम टूर भी मिलेगा। और फटाफट कमेंट करके बता दो जितने भी लोग चाहते हैं कि हम इसका होम टूर दे, होम टूर दे, स्टूडियो टूर दे, पूरा टूर दे, जो भी टूर दे, टूर दे। हाँ यार मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ, ये चोको चिप कुकी है या वो चोको चिप कुकी है? ये पूरी चोको चिप है या हाफ चोको चिप है? वो चॉकलेट है और ये चोको चिप है मेरे ख्याल से। जो भी है यार अच्छी है। So guys, स्नैकिंग हमारी हो गई है, अब हम देखते हैं हमें डिनर में क्या क्या मिलता है। अभी तक का तो सबवे का एक्सपीरियंस है ना बहुत बढ़िया जा रहा है, डिनर में देखना पड़ेगा कैसा रहता है, क्योंकि सही बात है एंड गल बात तो फूडी भी करेगा ही करेगा। हाँ वो तो हमने कभी छोड़ी नहीं है ना, है ना मुक्ति, है ना मुक्ति? हाँ वही सोच रही हूँ, छोड़ दे खाना बस कर सारी डिनर पे, सारी कुकियाँ खागी मेरी मुक्ति। तो क्यों नहीं रुकी, खागी तो सारी कुकी, एक नंबर की भूखी। सबवे के जो स्नैक्स थे ना उन्होंने धोखा दे दिया हुआ है, मतलब पेट में जाके ना वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं दी, पेट भरा नहीं उन्होंने। तो अब जो मैं चीज ट्राई करने लगा हूँ वो है ये लिप्टन की आइस टी, और ये कोई मामूली आइस टी नहीं है भाई साहब, ये सबवे पे मिलने वाली आइस टी है। पर मुझे एक चीज नहीं अच्छी लगी सबवे की, अगर किसी का कुछ कॉफी पीने का या कुछ गर्म पीने का मन हो तो पता क्या ले वहां से। सही बात, सीरियसली वो बहुत नेगेटिव पॉइंट। कोई कॉफी नहीं है, कोई गर्म चीज नहीं है, सारी कोल्ड ड्रिंक है, और कोल्ड ड्रिंक भी किराने की दुकान पे जो मिलती है वही वाली चीज महंगी बेच रहे हैं। महंगी बेचते हैं? हां मैंने कभी नोटिस नहीं। तू वो दिखा चिप्स का पैकेट दिखा, ये लाल वाला चिप्स का जो पैकेट है ना ये आपको नॉर्मली 10 रुपए का मिलता है, बट यहाँ पे हमको 18 रुपए 50 पैसे, 18 रुपए 50 पैसे का मिला। टू बी ऑनेस्ट 18 रुपए 50 पैसे का पड़ा है, तो खा के देखते हैं इसमें कोई टेस्ट में फर्क है या नहीं है। और एक चीज यार मुझे आज तक नहीं समझ आई, ये इतने टमाटर वाले फ्लेवर सब्वे वाले रख के करते क्या है, कौन खरीदता भाई? भाई खरीदता कोई नहीं है, उनके बिकते नहीं है, खा के पता इसका अलग है टेस्ट, स्वाद अलग होगा, सेम ही होगा। लिप्टन टी कैसी है? ओए होए 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 जो लिप्टन टी यहाँ पे मिलती है ना सबवे पे, भाई जमाई लिप्टन आइस टी वर्गी है, जमाई डिट्टो, मतलब जेरॉक्स कॉपी लिप्टन आइस टी थी, मजा ही आ गया। दिखाइयो टमाटर वाले है, है, है। इसकी तो खुशबू ही यार इतनी गंदी खुशबू है ना, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं ये नकली से टमाटर, बहुत ही बकवास है, मतलब ये क्यों रखे हो भाई। लोगों को टमाटर वाले अच्छे लगते हैं कईयों को? हाँ कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते ना। चलो यार इससे थोड़ा सा पेट को शांति देते हैं और फिर डिनर दिखाते हैं आपको। आ गए हम अपनी पेट की तलब बचाने जो कि बहुत घंटे से हमारे अंदर पनप रही थी। यार इस सबवे में ना कुछ अजीब ही चीज है, मैं दिखाती हूँ आपको। अजीब नहीं है, अलग बहुत, है बहुत अलग और अजीब। ये देखो ये लिखा है प्लाटीजा, 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 प्लाटीजा मतलब फ्लैटीजा। जब आप फ्लैट के अंदर बैठ के पिज्जा खाते हो उसे फ्लैटीजा कहते हैं। नहीं जब पिज्जा फ्लैट हो जाता है उसको बोलते हैं पिज्जा फ्लैट ही होता है। यार पिज्जा तो फ्लैट होता है, इन्होंने बेवकूफ बना रहे हैं लोगों का और कुछ नहीं कर रहे, बाकी देखते हैं इनका पिज्जा डोमिनोज पिज्जा हट से। डुप्लीकेट सबवे तो ये कहीं और नहीं दिखाया यार हमें? हाँ सिर्फ ये हमें यही दिखाए, और हमने दो तीन सबवे पे गए हमें कहीं नहीं दिखाई है, तो चलो अच्छी बात है कुछ यूनिक देखने को मिला। अगर आपने ये खाया है ना तो फटाफट कमेंट करके बता दो, क्योंकि मैंने तो ये खाया नहीं, देखा ही अभी तक, अंदर खाते हैं बताते हैं और बताते हैं, जिसने खाया और उसको पसंद आया वो भी बता दो, कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो 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 चलो। सुबह सबवे के बारे में जो सबसे बेस्ट चीज ये लगती है कि जितनी बार भी आप एंटर करोगे ना एक अंदर अजीब सी गर्मी, अजीब सी गर्मी नहीं मतलब अच्छी सी गर्मी आपको लगेगी, ऐसा लगता है हीटर चलाया हुआ है। हाँ हीटर चलाया हुआ अंदर, हीटर चलाया भी हो सकता है, तभी गर्मी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बाहर जाके पता गर्म सर्द हो जाए। और पता है तुम्हें यहाँ पे अंदर गर्म होता क्यों है? क्यों होता है भाई? यहाँ पे बन बना रहे होते हैं ना, खुद सेकते हैं अपने। अच्छा 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 भाई ये रीजन है, यहाँ पे अवन लगा बड़े बड़े। मेयोनीज की प्रोनंसिएशन क्या होती है? मेयो मेयो, आगे जो एनीज है उसके उसकी प्रोनंसिएशन कैसे होती है? यही होती है एनीज, मेयो एनीज, मेयोनेज होता है, मेयोनीज होता है, मेयो होता है। ये सही है, मेयो ही होता है, इंडिया में मेयो होता है। हम तो वो वाली चीज करते हैं, टीचर ने पूछा त्रिवंत्रपुरम के स्पेलिंग क्या है, हम तो ये बोलेंगे हमें तो गोवा के पता है, त्रिवंत्रपुरम तो ज्यादा ही नहीं, जेडे पिंड जाना नहीं होता, राह भी क्यों दसिए। छोटे सप्तक क्या साइज होता है अपना? 4 इंच। तो उसका बाकी का जो 2 इंच बच जाता है उसका क्या करते हो? क्या बात है, मैथ क्या जो सबवे के एम्प्लॉइज है ना
ऐसे नहीं बनते, पहले मैथ्स का टेस्ट पास करना पड़ता है। तुम्हें 4 का टेबल आना चाहिए। एक जो प्रॉपर सब होता है ना, वो होता है 12 इंची का। 12 इंची का आधा करोगे बनेगा 6 इंच। तो 6 इंच की ऑप्शन आती है, उसके बाद जो छोटे वाला सब है उसके अंदर आती है 4 इंच की ऑप्शन। मैंने सोचा 2 इंच बच जाता होगा, और भाई ने बोला 12 के वो आप 3 से डिवाइड करो, 4 आएगा। यार आज से कितने साल पहले किसने इमेजिन किया होगा कि सबवे में मिलेगा पिज्जा, चीज़ा नहीं सॉरी फ्लेटीज़ा, मतलब पिज्जा। देखने में मतलब कि एक ऐसे लग रहा है कि इसके साइड से कोने काट दिए इसको, शेप दे दिया स्क्वायर, चार ट्रायंगल। हाँ, और ऐसे नहीं लग रहा है यहाँ पे चीज़ कम डाली है यहाँ पे ज़्यादा डाला, भेदभाव है, भेदभाव हो रखा है थोड़ा सा। बट हाँ, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है इसमें, कि बिना ओरिगैनो बिना चिली फ्लेक्स के मिलेगा। ओके, और एक और चीज़, ट्रे भी नहीं है ये कागज के ऊपर। हाँ, सबवे ने आजकल ट्रे देनी बंद कर दिया है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, पर देखने में टेम्पटिंग लग रहा है। चीज़ भी भर भर के डाल रखा है इन्होंने भाई। ओए होए, और टूट जा भाई। चीयर्स भाई। आई लाइक इट। ये पनीर वाला कौन सा फ्लेवर था? पनीर टिक्का। तो मसालेदार है, बेस भी सही लगा मुझे। मुझे एक्सपेक्टेड था कि थिन क्रस्ट होएगा, ये थोड़ा सॉफ्ट में है और पतला है, अच्छा हाँ, है पर क्रंची नहीं है। प्राइस इसकी ठीक है यार, 143, बड़ी खतरनाक प्राइस है 143। हाँ, विदाउट टैक्स 7 रुपये वापस मिलेंगे आप 150 रुपये तो। 7 रुपये वापस देने के लिए 150 रुपये वैसे। इधर पता क्या बढ़िया चीज़ है, एक तो आपको इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बहुत है। अच्छा, फिर अपनी सॉसेज भी डलवा सकते हो अपनी पसंद की। हमने सॉस डलवाई अपनी पसंद की, डलवा सकते हो, बोल सकते हो कि भैया ये वाली नहीं ये वाली डाल दो। पर मुझे अच्छा लगा, मैं ये खाऊंगा, अगर मेरे को ऑप्शन मिलेगा तो मैं खा सकता हूँ। पिज्जा या ये? पिज्जा ही तो है ये, थिन क्रस्ट लापिनोज का पिज्जा। लापिनोज का, चलो वो पिज्जा ही बनाते हैं ना। दे आर ट्राइंग, बट इट इज बेटर देन पिज्जा हट। वेरी बेटर देन पिज्जा हट, मतलब पिज्जा हट जाना है उससे बेटर सबवे चल जाओ, जहाँ पे ये। पर ये हर जगह नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ मिलेगा। बड़े लोग खाते हैं बड़ा सब, ये मैंने 12 इंची का कराया था उन्होंने, बट बीच में से काट दिया है, और छोटे लोग खाते हैं छोटा सब। कोई बात, ये भुक्ति की हाइट जितना। और तुम्हें पिज्जा कैसा लगा? उसमें बस एक चीज अच्छी नहीं है। क्या? पिज्जा की साइड्स होती हैं। ओए होए, हां बात करी थी। इसकी प्रॉपर डिफाइंड साइड्स है नहीं, वैसी वाली साइड्स नहीं है। छोटा वाला सब पहली बार ही देखने लगा हूं मैं। ओहो, मतलब वैसे उससे ज्यादा छोटा है नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैंने इसका भी आधा सोचा था। नहीं, तुमने सोचा बड़ा पाव जैसा होगा? हाँ, मुझे सच्ची बड़ा पाव लग रहा था कि बड़ा पाव देंगे। ओ, ये एग वाला है ना? एग एंड चीज। एग एंड चीज, यार ये मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। अच्छा लग रहा है, अंडा बड़ा अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा कुक किया है। इट्स लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे पहले लग रहा था बॉइल्ड अंडे ना डाल दें, बट नहीं यार, आई लिटरली वांट टू सी कि ये कैसा होने वाला है, बिकॉज़ मैं जितनी बार सब्वे आई मैंने एग वाली कोई आइटम नहीं करवाई है। डिनर तो अच्छा जाएगा मेरे मुंह में। आहा हा हा, और मतलब छोटा सा मुंह है पर बाइट है इसकी पूरी राक्षस जैसी है। शैतान डायन। ये इनका नया है फ्यूजन, फ्यूजन वाला सब है। इसके अंदर 2 फिलिंग्स डालते हैं, समझ नहीं आ रहा है फ्यूजन है ना, मतलब नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं नॉर्मल में आता हूँ। इसके पैसे ज्यादा है? हाँ पैसे ज्यादा है, इससे अच्छा तो सिंपल ही करा लो, सब समझ ही नहीं आ रहा। वैसे मुझे भी लग रहा है सिंपल ही करा लेता, बट बाइट लेते हैं। 90% सारे सब ना सेम टेस्ट करते हैं, अगर आप सेम टाइप की उसमें सॉसेज लगा रहे हो, सेम ब्रेड यूज कर रहे हो। इसको छोड़ के, बिकॉज इसके अंदर कोई टिक्की नहीं यूज किया है, तो इट्स मतलब ये थोड़ा हेल्दी साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इन्होंने एग डाला है। बट यार मुझे एक बात बोलूँ, मुझे ना या तो नॉर्मल पैटी अच्छी लगती है, एग वाली मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, मतलब कुछ अलग फ्लेवर नहीं आ रहा। जब आपके मुंह में टिक्की आते तो एक अलग फ्लेवर आता है। ऐसा लग रहा है घर पे ना ब्रेड ऑमलेट बनाया है, है ना, और वो ब्रेड ऑमलेट के अंदर मेयोनीज वगैरह डाली है, ये वेज करवाया था, ये स्वाद है। मुझे सबवे की बेस्ट ब्रेड जो लगती है ना, वो लगती है मल्टीग्रेन। मुझे सबसे बेस्ट लगती है गार्लिक। जिस दिन पहली बार गार्लिक आई थी ना सबवे में, मैं इतना उछली थी, मुझे इतनी खुशी मिली, मैंने कहा मजा आ गया। आप कमेंट करके बताओ आपको सबसे ज्यादा बढ़िया ब्रेड कौन सी लगती है, गार्लिक, और फेवरेट सॉस कौन सी है आपकी। साउथ वेस्ट। यार सबवे की बेस्ट चीज जो है वो कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन दे देते हैं ना, बंदे को लगता है मैं खुद बना रहा हूँ, अपनी फेवरेट चीजें डाल रहा हूँ। तो वैसे अच्छी चीजों का मिलता अच्छा फल, और जब लगे भूख तो खाओ ट्रूफल। और अगर आए गुस्सा हूँ कार पे तो यूज करो अपना बल, चल चल चल। यार सच्ची बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है। ट्रूफल एक ऐसी चीज है जो सिर्फ गर्म ही अच्छी लगती है, मतलब आप इसको ठंडा खाओगे तो मुझे लगता नहीं अच्छा लगेगा, खा ठंडी हो जाएगी। ये तो मैं भूल ही गया था यार, ये सच्ची बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा आपने ठंडा खाना है गर्म, मैंने कहा हम तो खाएंगे गर्म, तो गर्म कर दो। टोरियल लगे गर्म, डेंस डार्क चॉकलेट
मेरे को लग रहा है लोगों के कम आ रहे हैं और कार के मुंह में ज्यादा आ रहे हैं। अगर आपके भी मुंह में पानी आता है वीडियो को लाइक कर दो पहले। सो गाइस वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे स्टूडियो का टूर चाहते हैं और हाउस टूर चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दें क्योंकि हम देंगे तो यहीं आप। और अगर आप वो कोई गिफ्ट वगैरह भेजना चाहते हो ना हाँ, तो ईमेल ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगा मैं, तो आप ईमेल करके अपना कोई भी ईमेल करो बढ़िया कर और बढ़िया बढ़िया चीजें भेजो हमें। तो हमारा मेल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ क्लिक करो और हमें खूब सारा प्यार भेजो एंड हमें सब्सक्राइब। प्यार नहीं भेजना, सामान भेजो, हमें फर्नीचर ना लेना पड़े। कैसे मुक्के लगे लोग होते हैं। इसी के साथ जो वीडियो वो करता है खत्म, रीति रिवाज पूरे करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना। बाकी टाटा बाय बाय। बाकी ये ट्रफल मेरी, ये मेरी।